हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन ए को, जो कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन है, कंप्लीट करने वाले हैं। होप्सो आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया होगा, और अगर फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उसको सेक्शन बी के साथ कवर करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी फ़ायदा और मुझे भी मोटिवेशन ज़रूर मिले। तो चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन ए है उसको कम्प्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 के चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए। देखिए, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहचान करनी ज़रूरी है कि किसी भी एक्सप्रेशन को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम कब दिया जाता है। तो देखिए, आपको सिंपली क्या देखना है, उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है आपको वो देखनी है। वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन वो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है तो हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनोमियल। इसके साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वेरिएबल वाले टर्म होनी चाहिए ये न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी वेरिएबल की पावर होल, मान लीजिए 2 भी है, तो इसको जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये वेरिएबल की जो पावर है वो पावर अब 2 ना होकर ये -2 हो जाएगी। अब देखिए, क्या -2 एक होल पावर है? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल की कंडीशन भी नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 2 तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, रूट। पावर कितनी, रूट कितनी पावर होती है, 1/2, है ना। तो 1/2 पावर एक्चुअल में एक होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं बोला जा सकता। इसमें देखें तो एक्स की पावर यहाँ 1 है, y की पावर भी 2 है, x की पावर 1, y की पावर भी 1 है, x की पावर 3। फ़िलहाल तो ये इसके जितने भी वेरिएबल्स इसमें नज़र आ रहे हैं सभी की पावर होल नंबर है, तो ये हो सकता है। और भी देख लेते हैं, हो सकता है क्या, ये तो है ही। मतलब नेक्स्ट, x की पावर 3/2, ये होल नंबर नहीं है, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए, लास्ट वाले में x डिनोमिनेटर में है, इसको जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बन जाएगा, और वो एक होल पावर नहीं होगी, ठीक है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 -y रेज टू पावर 4। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, एक्स की पावर 4 को हम क्या स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की फिर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, है ना। इसी तरह से वाई को भी जो 4 पावर है स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर लिख लिया। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ए स्क्वेयर -b² जैसी कंडीशन बन गई, ये अपना a और ये अपना b, है ना। तो ए स्क्वेयर -b² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वेयर -b² जो कि a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी के इक्वल होती है, ठीक है। तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x स्क्वेयर को, और b y स्क्वेयर को। फिर आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में तो अब और उसको और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में फिर से यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ना। ये देखिए, a का स्क्वेयर, ये बी है और फिर उसका भी स्क्वेयर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी मैंने सेम आइडेंटिटी यहाँ फिर से यूज़ कर दी। तो ये बन गया हमारा फैक्टराइजेशन,
ठीक है, क्योंकि अब इसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये किससे मैच कर रहे हैं? ऑप्शन सी से। ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड। इफ़ टू एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ब्रैकेट नज़र आ रही हैं इनको हमें ओपन करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर कंपेयरिंग का काम करेंगे लास्ट में जाके। देखते हैं, देखिए पहले 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, कुछ इस तरीके से होता है। फिर माइनस फाइव की बारी है, तो माइनस फाइव भी इस x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ ये हमारा कुछ ऐसे से कंडीशन आ गई। अब 2x पहले x से फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फ़िलहाल 2x भी पॉजिटिव है और x और 3 भी। सो 2x को x से किया तो कितना आ गया? 2x स्क्वेयर। अब प्लस 3 से करेंगे तो 2 इंटू 3 6x। अब माइनस 5 को x से करेंगे तो माइनस 5x। अब माइनस 5 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 15, है ना। और इज इक्वल टू में ये एज इट इज़, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। सो 2x स्क्वेयर एज इट इज, x और x वाले टर्म है यानी कि कंबाइन हो सकती है। तो 6x माइनस 5x, x क्या बच गया? माइनस 15। तो अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करिए, क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है? a डिफरेंट नज़र आ रहा है ना। 2x स्क्वेयर सेम है, प्लस का x सेम है, डिफरेंट माइनस 15 एंड a है। सो यहाँ पर अब हम कंपेयरिंग का काम करेंगे। जब भी दो कोई एक्सप्रेशंस इक्वल दे रखी हैं और उनमें से कुछ मिसिंग फाइंड आउट करना है तो हम कंपेयरिंग का ही काम करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उसमें जो डिफरेंट होता है उनको इक्वल लिख लिया जाता है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 15, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द सम ऑफ 3x स्क्वेयर वाई, चलिए लेकर चलते हैं, प्लस 14x स्क्वेयर वाई। तो सिंपल सा, देखिए x स्क्वेयर वाई इसमें भी है, x स्क्वेयर वाई इसमें भी है, यानी कि दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स में हम बेसिकली काम किस पर करते हैं? उनके नंबर्स पर, उनके कोफिशियंट्स पर, है ना। तो हमें इनके कोफिशियंट्स पर काम करना है। ये भी प्लस का 3 है और ये प्लस का 14 है। तो 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 17। और रिजल्ट में क्या आएगा? वही वेरिएबल्स, है ना। लाइक टर्म्स रिजल्ट में भी लाइक ही देते हैं, है ना। ये वैसे ही बात है भाई, दो एप्पल्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट में एप्पल ही आएगा, बनाना तो नहीं आने वाला। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ, फैक्टराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, देखते हैं क्या है। पी स्क्वेयर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर। अब देखिए चार टर्म तो बनी हुई हैं, फैक्टराइज करना है, लेकिन पहली और दूसरी टर्म में हम नोटिस करेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके देख लेते हैं, ट्राई एरर तो करना पड़ेगा हमें, है ना। फिर देखते हैं कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता है। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, प्लस में हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, यानी कि चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी एक पी है, इसमें भी एक पी है, दैट मीन्स कि हम पी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर दो पी थे, उनमें से एक पी कॉमन ले लिया तो एक पी बचा, और फिर प्लस के बाद पी क्यू में से पी कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? क्यू बच गया, है ना। अब लास्ट टू टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन हमें नज़र आ रहा है? हम नोटिस कर रहे हैं भी, देखिए आर दोनों में नज़र आ रहा है तो क्यों ना आर कॉमन ले लिया जाए। लेकिन कैसा आर कॉमन ले रहे हैं? प्लस में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, है ना। ये वैसी सिचुएशन है जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, और मिडल टर्म स्प्लिट होने के बाद चार टर्म्स बन जाती हैं, और फिर हमें पहले दो में से लास्ट दो में से कुछ कॉमन लेना होता है, वही तरीका है, ठीक है। सो
अब देखिए आर कॉमन लिया तो क्या बचा, क्यू प्लस पी। अब देखिए पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, बात तो एक ही है, तो या तो आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं या आप ऐसे कर लीजिए कि पहले इस क्यू प्लस पी को पी प्लस क्यू लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इन दोनों ही टर्म्स में पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू की जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो कॉमन ले लें। तो नई ब्रैकेट जो बनेगी उसमें क्या लिखा जाएगा, एक तो ये पी, फिर प्लस और एक ये आर, तो यानी कि ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो एक पी प्लस क्यू और एक पी प्लस आर बन रहा है। तो देखिए तीन ब्रैकेट बनी हुई है, ये तो पॉसिबल नहीं है, पी प्लस क्यू और पी प्लस आर, देखिए यहाँ बना हुआ है डी ऑप्शन में, और तो कहीं नहीं है, इसमें पी के साथ आर दे रखा है, सॉरी क्यू के साथ, वो नहीं है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ही आया हुआ है, पॉसिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म्स, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखते हैं एक्स प्लस थ्री, प्रोडक्ट तो आसान है, ये बड़े आराम से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स को पहले हम दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस थ्री से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स स्क्वेयर, एक्स से फिर हमने माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, फिर थ्री को इस टू एक्स से करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स एक्स, फिर थ्री को माइनस वन से करते हैं तो माइनस थ्री। अब देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, तो एक्स स्क्वेयर वाले तो एक ही टर्म है, एक्स वाले दो टर्म है, तो माइनस का वन एक्स और प्लस का सिक्स एक्स, कितना बचेगा प्लस फाइव एक्स, है ना, ओपोजिट साइन है, दैट मीन्स कि हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस हमने निकाल दिया और कॉन्स्टेंट टर्म अकेली है, तो किससे मैच कर रहा है, आई थिंक पहले ही पार्ट से मैच कर रहा है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। ये बोला गया है कि दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, और ऑप्शंस में देखिए हमें ब्रैकेट्स दी गई हैं, दैट मीन्स कि ये फैक्टर्स हैं, तो लेकर चलते हैं देखते हैं कि क्या फैक्टर बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं। वैसे जिस तरह का आंसर यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली देखिए एक हिंट नज़र आ रहा है, अगर मैं इन लास्ट के तीन टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एक ब्रैकेट बनेगी और जो भी साइन था वो ऑपोजिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वायर नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, टू एक्स वाई भी नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल बचा है ये एक्चुअल में तो एक आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, है ना, और चार को क्या देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं टू स्क्वेयर, क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये a का स्क्वायर और ये अपना b और ये उसका स्क्वायर और दोनों के बीच में क्या है देखिए माइनस, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली बाद में आप लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी, अब क्योंकि b में देखिए दो टर्म्स हैं तो और वो माइनस के बाद लिखी जानी है, तो इसलिए मैंने पहले इनको एक ब्रैकेट के साथ लिखा है, ठीक है। फिर a प्लस बी, अब देखिए क्योंकि इससे पहले यहाँ पर प्लस है तो साइन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर अलग से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो छोटी ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, तो क्योंकि उसके बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले के साइन वो क्या कर देगा चेंज, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़, तो देखिए हमारे पास क्या बच गया टू माइनस एक्स माइनस वाई, कहीं कुछ नज़र आ रहा है, हाँ दो जगह नज़र आ रहा है, फिर देखते हैं कि टू प्लस एक्स प्लस वाई बी ऑप्शन, तो देखिए बी ऑप्शन में हमारे ये दोनों ब्रैकेट हैं टू प्लस एक्स प्लस वाई, ये रही टू प्लस एक्स प्लस वाई, टू माइनस एक्स माइनस वाई, टू माइनस एक्स माइनस वाई, है ना,
यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एट इज़ इक्वल टू, ये तो सीधी साधी दी गई है, बस हमें वही ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो देखिए ये अपना ए है ए का स्क्वायर, ये अपना बी है बी का स्क्वायर, और बीच में हमारे पास माइनस है ना। तो देखिए ए माइनस बी, अब देखिए अब इस बी से पहले मेरे को ब्रैकेट क्यों नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ए की टर्म है, माइनस ने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया। फिर से ए ए एक्स माइनस वाई है प्लस बी है ना, और यहाँ पर सेम वही आइडेंटिटी आ जाएगी। तो अब मैच कर लीजिए किससे मैच कर रहा है, ये भाई मैच कर रहा है आई थिंक बी पार्ट से है ना। ये देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये रहा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो ये बन गया अपना बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है नेक्स्ट, देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वलेंट टू। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा अजम्पशन लेकर चलता हूँ। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई को टेम्परली कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू a बोल दें, देयरफोर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, ये देखिए इसकी जगह क्या आ गया a आ गया, और इसका स्क्वायर था तो a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसको हमने a बोला है और इसके मल्टीपल में क्या है टू है, सो टू a, और फिर लास्ट में क्या है वन। तो जहाँ जहाँ x प्लस वाई था उसकी जगह हमने a लिख दिया, हालांकि करना ज़रूरी नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए, ये जो है वो एक्चुअल में a प्लस वन का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखें तो ये देखिए इसको हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन को वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ये अपना ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये वाले टर्म है अपनी टू ए बी वाली, क्योंकि इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई में वन भी कर देता हूँ तो ये बन गई ना टू ए बी। दैट मीन्स कि हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि टू ए बी वाला प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में माइनस आ जाता। अब वापस से a की जगह हम a की वैल्यू रख दें, क्या थी a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस वन एज इट इज़ का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर है ब्रैकेट की, दैट मीन्स कि ये ब्रैकेट दो बार मल्टीपल में है ना। तो देखिए हो गया फैक्टराइज, किसके साथ मैच कर रहा है, माइनस नज़र आ रहा है, ये d पार्ट मैच कर रहा है ना, x प्लस वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। तो ये था अपना नाइन्थ, चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में देखिए डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है और न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर वाले जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको डिवाइड करेगा है ना, नीचे जो 6 है वो 18p को भी डिवाइड करेगा, और 6 को भी, बीच में प्लस था तो प्लस ही आ गया, माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो अब ये देखिए 18 को 6 से कैंसिल करें तो हमारे पास कितना बच रहा है 3, तो क्या बच गया 3p, फिर प्लस 6 से 6 को कैंसिल करें तो 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, इस बार हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए, चेक करने पड़ेंगे हमें कि क्या कंडीशन बनती है। पहला देखिए, पहला हमें दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि x का भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल हो रखा है, फिर प्लस में a का भी स्क्वायर होगा वो भी है, फिर क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस का 2ab बनता है, तो a कौन है x, b कौन है a, तो 2ab वो सारी चीज़ें ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है।
चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने नोटिस किया भाई रूट थ्री, और ये जो रूट है इसमें ये रूट एक्चुअल में थ्री और एक्स दोनों का है। दैट मीन्स कि देखिए हम इसको रूट थ्री एक्स, स्टार्टिंग में इस एक्स का रूट नहीं है, वो फ्री है, और जो दूसरी वैल्यू थी उसमें हमने क्या किया, रूट को सेपरेट कर लिया, थ्री का भी रूट दिखा दिया और एक्स का भी। अब ये देखिए रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री तो क्या होता है, थ्री होता है ना, क्यों, बेस जो है वो सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करें, रूट एक्चुअल में कितनी पावर होती है, रूट हमारे पास हाफ पावर होती है ना। तो देखिए तीन तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी, तो इसकी पावर वन है और यहाँ पावर हाफ है, तो वन प्लस हाफ कितनी पावर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी थ्री बाय टू, जबकि आंसर में क्या दे रखा है, दो पावर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वेयर, इनका प्रोडक्ट चेक करना है क्या यही आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए ओपोजिट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस तो सही है। फिर नंबर्स को देखें, यहाँ तीन है यहाँ चार है, तो इनका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, यहाँ भी 12 है, ये भी सही है। फिर देखते हैं कि एक्स की पावर्स को कंबाइन करें, यहाँ एक्स की पावर एक है यहाँ दो है, टोटल तीन पावर बनी, यहाँ भी तीन पावर है, ये भी सही है। फिर y की पावर काउंट करते हैं, y की पावर एक और दो तीन, यहाँ भी तीन है, तो ये तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट a की पावर सिक्स एंड डिवाइडेड बाय a की पावर टू, अब क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो सिचुएशन में पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो a की कितनी पावर बचनी चाहिए थी, फोर, जबकि यहाँ तो कितनी बच रही है, तीन, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 16x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 क्या ये फैक्टराइज करेगा, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस में था, तो वैसा ही काम है। चलिए फटाफट इसको करके देख लेते हैं, 81y रेज टू पावर 4, तो देखिए 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x की पावर 4 को स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख लिया, फिर माइनस ऐसे ही 81 को हम 9 का स्क्वेयर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में y की पावर 4 को y स्क्वेयर का स्क्वेयर। फिर हमने ये किया कि यहाँ इन दोनों की सेम पावर है, किसकी, 4 की और x स्क्वेयर की, तो मैंने दोनों की पावर कॉमन ले ली। ऐसे ही सेम काम मैंने 9 और वाई स्क्वेयर के साथ किया, दोनों की सेम दो पावर थी, मैंने कॉमन ली। तो हम अब नोटिस क्या कर रहे हैं भाई, ये बन गया a का स्क्वेयर और फिर माइनस के बाद है ये बन गया b का स्क्वेयर, है ना। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर a कौन है 4x स्क्वेयर, b कौन है 9y स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या लग गई, a प्लस b एंड a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर आप नोटिस कीजिए भाई प्लस वाले ब्रैकेट पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो माइनस वाले ब्रैकेट है उसमें देखिए 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का स्क्वायर पहले से ही है तो हमने दोनों के स्क्वायर को ले लिया कॉमन। इन द सेम वे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y का स्क्वायर पहले से ही है, मैंने उन दोनों का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। फिर से यहाँ पर कैसी प्रॉपर्टी बनती नज़र आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी, तो वो अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, फिर से वो आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर बनाया गया है ना, 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर एंड 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट थी, ओके। चलिए नेक्स्ट सिक्स क्या है, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट का क्या मतलब होता है,
देखिए, एक ऐसा नंबर जो इक्वेशन के लेफ्ट में रखें और राइट हैंड साइड में रखें, कहाँ एक्स की जगह है, तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको बोला जाता है रूट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो उसको रूट नहीं बोला जाता। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाई ये तो रूट है, कौन दो। तो चलिए चेक करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 4x, तो इसमें 4 और x, x की जगह हमने 2 रखा। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यानी कि 4 और 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ रहा है, 8। अब इसकी जो ये है राइट साइड, इसमें वैल्यू रखते हैं, देखिए 20 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, 2, क्या रहा है 18। तो क्या 8 और 18 इक्वल हैं, नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स कि इन्होंने ये जो दो दे रखा है जिसको ये रूट कह रहे हैं वो एक्चुअली रूट नहीं है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ओके, चलिए उससे नेक्स्ट, पी प्लस आर का स्क्वायर को हम पी प्लस आर मल्टीप्लाई पी प्लस आर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर दो है तो दो बार मल्टीपल में लिखा जा सकता है, एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट 8, एन इररिड्यूसिबल फैक्टर इज़ ए फैक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्दर एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिए, जब इन्होंने खुद बोल दिया इररिड्यूसिबल फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो और फैक्टराइज नहीं हो सकता, जैसे कि ये देखिए, ये एक फैक्टर है, किसका, इसका, लेकिन ये खुद और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको और फर्दर किसी फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ये भी एक फैक्टर था इसका, लेकिन ये तो और एक्स्ट्रा दो के प्रोडक्ट में लिखा गया है ना, तो इसको यानी कि इस फैक्टर को हम इररिड्यूसिबल नहीं बोल सकते, ये रिड्यूसिबल था, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है मेन का वो इररिड्यूसिबल था, तभी तो इसके और फैक्टर नहीं हो पाए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है, कि ये कहता है कि भाई इररिड्यूसिबल के भी और फैक्टर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 101 का स्क्वायर को हम 100 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिखा जा सकता है, सिंपल सी बात है भाई, 101 को क्या 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, और जबकि इन्होंने क्या लगा दिया, डिवाइड का साइन, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ओके, सो ये था अपना ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, तो इससे नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं ना, कि जिसकी तीन टर्म, सॉरी मोर देन थ्री टर्म है, मैंने तीन टर्म्स पे ध्यान दिया, सॉरी, तो इसको हम एक पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। अगर तीन टर्म होती है तो उसको ट्राइनोमियल, दो टर्म होती है तो बाइनोमियल, और एक टर्म होती है तो मोनोमियल, है ना। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4x³y एंड 2xy स्क्वायर, तो इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दो टर्म्स में स्टेप बाय स्टेप काम क्या करो, सबसे पहले नंबर्स में सोचो, दो और चार में क्या कॉमन आ सकता है, दो, ठीक है, फिर एक्स पर काम करते हैं। अब हमें पावर्स के अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन छांटना है, तो देखिए पावर्स में कॉमन क्या आ सकता है, छोटी पावर, ठीक है, तो यहाँ x की पावर एक है, यहाँ x की पावर तीन है, तो x की छोटी पावर कितनी है, एक, तो हमने x की पावर एक कॉमन ले ली। फिर से ऐसे ही y के साथ, y की छोटी पावर क्या है, वन या टू, वन, तो हमने y वन कॉमन ले लिया। तो यानी कि इन दोनों का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2xy, सिंपल। तो जब भी हमें GCF निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो सिंपली आप क्या कीजिए, उनमें से क्या कॉमन आ सकता है सबसे मैक्सिमम, वो पता कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2x की पावर m मल्टीप्लाई माइनस 3x की पावर n,
ये अभी अभी हम करके आए थे, उस जैसा है। कहाँ गया? हाँ देखिए, ऐसा सा इसी पर बेस्ड है, सेम ऐसे ही करना है। देखिए पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक ओपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6, फिर वेरिएबल देखा तो वेरिएबल तो सेम है, तो वेरिएबल तो सेम ही आएगा, लेकिन इनकी पावर्स, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में, ऐड। तो ये आ गया अपना आंसर, ख़त्म। नेक्स्ट, 8m³ + 2m² को डिवाइड करना है। तो देखिए 8m³ + 2m² को डिवाइड करना है किससे, 2m से। तो अभी अभी पीछे करके आए थे, 18n को +6 को 6 से डिवाइड किया था, बिल्कुल वही काम। सो 8m³ को भी 2m से डिवाइड कर देंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर 2m² को भी 2m से डिवाइड कर देंगे। 2 से 8 को कैंसिल किया 4, m को m क्यूब से कैंसिल, सॉरी m क्यूब को m से कैंसिल किया तो m², तो यानी कि पहली टर्म तो क्या बच रही है, 4m², उसके बाद प्लस बच रहा है, फिर 2 से 2 कैंसिल किया, 1m से 1m कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, सिर्फ m बचा, तो +m। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, व्हेन रिमाइंडर इज 0 द डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। देखिए ये होता है अपना डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में तुम नोटिस करोगे कि डिवाइजर तो डिविडेंड का फैक्टर है ही, साथ साथ कोशेंट भी डिविडेंड का फैक्टर होता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, 2 6 का फैक्टर है, यानी 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए कोशेंट जो है वो भी तो 6 का फैक्टर है, यानी कि 3 है ना। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3x² - 5xy³। तो देखिए प्लस और माइनस, माइनस देन 3 × 5 15, देन x² × x, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो स्क्वेयर +1 3, और फिर इसमें y है नहीं, यहाँ से y एज इट इज़ इधर आ जाएगा, यानी कि y³। तो ये आ गया अपना आंसर, इनका प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इफ 2x - 5 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई x+3 = 2x² + x + a। अभी अभी करके आए थे ये, सेम वही, वहीं से मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -15। ठीक है, ट्राई करके देखना, एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट कर रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं है, ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन में, x² - y² किसके इक्वल होता है, x+y एंड x - y। चलिए नेक्स्ट, 3x को 2y से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6xy बन गया। नेक्स्ट, 3 को 4 से किया 12, x को z से किया तो xz बन गया। उससे नेक्स्ट, प्लस को माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, ठीक है। फिर 3 को 2 से किया तो 6, देन x को x से करते हैं तो पावर ऐड हो गई, तो और यहाँ y है नहीं, तो ये y² एज इट इज़ इधर आ गया। ओके, सो ये था अपना मिसिंग पोर्शन। लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोमियल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डैश एंड डैश। क्या आ सकता है इधर, शायद से अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड लो पावर ही हो सकती है। आप चेक करके बताइएगा क्या ये सही है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये सही है, फिल इन द ब्लैंक्स में 10th का। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, मैच द कॉलम। चलिए देखते हैं क्या मैच करता है, 20³ - 65³ + 45³। वैसे सीधा सा देखने से तो यही लग रहा है, यही आएगा, बाकी इसका एक लॉ भी होता है, चलिए बता देता हूँ क्या है वो लॉ। देखिए अगर हमारे पास इफ 3 कोई भी नंबर हैं और उनका सम अगर 0 आता है, ठीक है, कोई भी 3 नंबर,
जिनको ऐड करें तो रिजल्ट जीरो आ जाए। अब कोई सोचेगा भाई ऐड करने से जीरो कैसे आ सकता है, भाई तीन नंबर की बात आ रही है तो वो मान लीजिए एक दो है, एक हमारे पास तीन है और एक है -5। तो देखिए अब खुद सोच लीजिए इनको जोड़ के जीरो आ सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम हमें इन तीनों के क्यूब्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले इनका क्यूब करें और फिर उनको आपस में जोड़ें। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो एक्स वाई जेड को और फिर उसका कर दो 3 गुना, सिंपल, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 20 - 65 और 45 है जैसे, ठीक है, क्या है 20³ - 65³ + 45³। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो प्लस आने थे, ये बीच में माइनस क्यों है। अब देखिए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और क्यूब क्यूब रूट वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि भाई नेगेटिव का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही आता है, तो हमने उस नेगेटिव को अंदर ले लिया। अब तो ठीक हो गई, अब सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। और एक सिचुएशन आप देखिए कि 20 + -65 + 45, क्या जीरो दे रहे हैं, 20 - 65 + 45 ब्रैकेट खोल दी, देखिए रिजल्ट जीरो आ रहा है। दैट मीन्स कि इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 20 × -65 × 45, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 60 बन गया, माइनस को आगे ले आते हैं माइनस आ गया, और 65 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 65 एंड 45, 25 2 30 32 2 24 6 9 2, ये आ रहा है हमारे पास 2925, ठीक है। सो अब इस 2925 को हम 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35, देन अगेन 5 एंड 7 एंड 1। अभी तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था, एक लास्ट का ये 0 यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा कुछ ऐसा 1,75,500, ठीक है। तो अब हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास यही नंबर यहाँ दिया गया है ना क्यू में, तो ये मैच कर गया। ओके चलिए नेक्स्ट, 97 एंड प्लस 102, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। हालांकि ये इन्होंने जो दिया है वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप इसको किसी आइडेंटिटी से करो कुछ ऐसे से, लेकिन बच्चे नॉर्मली क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, कहीं कुछ बोल तो रखा नहीं है, है ना, हमें तो आंसर मैच करवाना है, वो रफ में 102 और 97 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी एक सिंपल सा तरीका है, ये देखिए 7 है और 2 है, यूनिट प्लेस, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आता है 4, यानी कि यूनिट प्लेस पर आंसर 4 आएगा और यहाँ पर हमें 4 देखने को मिल रहा है ना, और किसी में 4 नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये किससे मैच करेगा, इससे। नेक्स्ट, अगर a² + b² 84 है तो a - b अगर 8 है तो उस कंडीशन में हमें a × b निकालना है। सिंपल सा तरीका है, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडेंटिटी से रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है, आइडेंटिटी की हम हेल्प लेने वाले हैं। देखिए a - b² किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab के इक्वल होता है ना। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए हमें a² + b² दिया गया 84, यानी कि ये दोनों का एडिशन 84, -2ab एज इट इज़ रखी, और a - b देखिए कितना दिया गया 8, तो इसकी जगह हमने रख दिया 8, लेकिन इसका तो स्क्वेयर था, तो अब ये देखिए 8 का स्क्वेयर 64, 84 पहले से ही है, 2ab एज इट इज़। अब देखिए माइनस का 2ab को हम लेफ्ट में ले आते हैं और 64 को राइट में ले जाते हैं, तो 84 में से वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा,
है ना। तो अब यहाँ बेसिकली हमारे पास बच कितना गया, हमारे पास बच गया 20। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड कैंसिल करके कितना आ गया 10, यानी कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 10 के इक्वल। तो ये इससे मैच करेगा, तो ऑटोमेटिकली अब इसका आंसर जो है वो आर हुआ। बाकी आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर, फिर बी का स्क्वेयर यानी कि 24 का स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 7 का स्क्वेयर 49, 24 का स्क्वेयर 576। तो सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 625। सी की वैल्यू आ गई स्क्वेयर रूट ऑफ 625, जो कि एक्चुअल में कितना होता है 25। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट मैच द फॉलोइंग का। नेक्स्ट करते हैं, 82 स्क्वेयर माइनस 18 स्क्वेयर कितना होगा। सिंपल सा तरीका है, देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली टेक्निक से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब 82 माइनस 18 करते हैं, तो 82 माइनस 10 72, 72 माइनस 8 70 एंड ये आ गया 64। और मल्टीप्लाई में ये देखिए 82 प्लस 18 कितना होता है 100, तो कितना आ गया 6400। किससे मैच कर रहा है, हमारे क्यू से। ओके नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट भी ऐसा सही है। देखिए 197 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 200 माइनस 3, और 203 को कैसा लिख सकते हैं, 200 प्लस 3। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी जैसी सिचुएशन, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 200 का स्क्वेयर कितना होता है, पीछे 4 जीरो लग गई और 2 का स्क्वेयर 4 कर दिया, यानी कि 40,000 बन गया। फिर माइनस 3 का स्क्वेयर 9, तो ये कितना आ गया 39,991, यानी कि ये इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट सेम ऐसे ही ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला तरीका हमें यूज करना है, यानी कि वो वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। जो प्लस वाली आइडेंटिटी है वो तो देखिए आपकी क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। इसमें देखना है, इसमें हमारे पास ये क्या बन रहा है, 13 माइनस 7 कितना आ गया 6, 5 माइनस 3 2 और 8 माइनस 1 7, और मल्टीपल में यहाँ से कितना आ रहा है दूसरे ब्रैकेट से 10। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो एक डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगी, तो ये किससे मैच कर रहा है ये। तो लास्ट वाला ऑप्शन ऑब्वियसली बात है अब इससे मैच करेगा, जिसको हम बड़े आराम से 10 माइनस 1.7 या कुछ और तरीके से इसको कर सकते हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लाई। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, सो ये था मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन के रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन पहला, 4z ब्रैकेट 3x माइनस 2y इसके इक्वल होगा। चलिए चेक करते हैं, 4 इंटू 3 12 जेड भी है, ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, जेड भी है और एक वाई भी है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। फिर रीज़न देखते हैं कि रीज़न में 5x अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 4 20 हो गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब भी हो रहा है, ठीक है। अब 5x को इस 5x से करें तो 25x स्क्वेयर बिल्कुल सही है, 5x को 7 से करें तो ये हमारे पास 35 भी आ रहा है, तो ये भी ट्रेड जो है हमारे पास बिल्कुल सही है। लेकिन देखा जाए क्या ये रीजन जो है इस असर्शन को कुछ एक्सप्लेन कर भी रहे, ये तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है ना, एक्सप्लेनेशन तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक्चुअल में बी ऑप्शन होना चाहिए कि भाई ए और आर ट्रू तो हैं लेकिन रीज़न एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन होना क्या है कि भाई असर्शन में जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। वो एक्सप्लेन करने के बजाय वैसा सा एग्ज़ाम्पल दे दिया इन्होंने, तो एक और है ना। तो
हो सकता है इसका आंसर ए दे रखो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ए होना चाहिए। क्यों नहीं लगता, मैंने उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया। ओके नेक्स्ट, फाइव इज़ द रूट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। चलिए चेक करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी करके आए थे। तो 5 और x की जगह यहाँ रखें 5 माइनस 12, तो देखिए 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13। अब राइट हैंड साइड में x की जगह हम 5 रखते हैं, तो 2 इंटू 5 कितना आ रहा है 10। तो देखिए 13 और 5 क्या आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट कैसी है? एक फॉल्स स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट सिर्फ इसमें है, डी ऑप्शन में। ए जो है वो फॉल्स सिर्फ डी में है, तो इसमें आपको रीज़न पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। वैसे ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है और उसमें आर ट्रू ही है डी में, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन क्या है? वाई स्क्वेयर माइनस 81 को हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप लेफ़्ट टू राइट चेक कर लीजिए, राइट टू लेफ़्ट चेक कर लीजिए, एक ही बात है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? वाई स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो ये देखिए, ये एग्जैक्टली ऐसा बन गया। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर जो है अलग आइडेंटिटी यूज़ हुई है और नीचे रीजन में अलग आइडेंटिटी, यानी कि जो रीजन है वो इस असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डी, सॉरी फोर्थ असर्शन क्या है? 4xy 3x प्लस 2y। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 12, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर सही है, फिर वाई यहाँ एज इट इज़ आ गया है, फिर 4 इंटू 2 8, ठीक है, एक्स इंटू को अच्छा एक्स यहाँ तो है ही नहीं, तो एक्स सही है, फिर वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर ये भी सही है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। टू मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाय ए बोनोमियल वी यूज़ द प्रॉपर्टी समथिंग लाइक दैट। अरे ये देखिए, ये है अच्छे से एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ए बी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए सी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं वैसे। तो अब ये जो रीज़न है, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ओके सो ये था अपने असर्शन रीज़न। चलिए तो इसी के साथ अपना जो सेक्शन ए है फोर्थ चैप्टर का, वो हो जाता है कम्प्लीट। होप सो आपको ये जो सेक्शन है वो समझ आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।